भी हम डालेंगे एक तरफ से। हुआ पूरा मसाला ही दिखेगा तो आटा दिखेगा नहीं। इसमें मसाला डाला, डालेंगे धनिया और ये आटे, आटे का मसाला ऑलरेडी बना हुआ है, हम मिक्स करेंगे पूरा, इसे मिक्स करेंगे। ये हो गया आलू का मसाला। सेम है एक्चुअली, होल पराठे का ही मसाला है। इसका भी स्पाइसी, ये मसाला स्पाइसी नहीं होता है, स्पाइसी के लिए ग्रीन चिल्ली ऐड किया, ये ग्रीन चिल्ली है एक्चुअली। इसमें डालेंगे हम धनिया, इसको जी वापस मिक्स करेंगे। जैसे इसमें पूरा स्टफ किया ना, तो ये पूरी चारों मतलब हर कोने में भरना चाहिए। तो इसका जब बेलते हैं हम लोग तो कहीं भी आपको आटा नजर नहीं आएगा, सारी लेयर भरी हुई है, आपको सारी लेयर इसके बराबर दिखेगी। अब इस पे डालेंगे ये आलू प्याज है, अमूल बटर, ये है बटर, अमूल बटर रहेगा जी, ये एक्चुअली गर्म के पास रह के पूरा मेल्ट हो जाता है। अभी हम डालेंगे एक तरफ से, हुआ आलू प्याज है, आलू प्याज
और जब इसकी एक एक लेयर ऐसा उठाएंगे ना उसे तो पूरा मसाला ही दिखेगा, तो आटा दिखेगा, देखो पूरा लास्ट, मतलब ऐसा नहीं कि साइड में आपको आटा, इसमें इस आटा कहीं पे ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। आपका पनीर पराठा है, ये आपका अमूल बटर पनीर पराठा। सेम है उसके भी सेम आपको लास्ट तक आपका लास्ट फाइनल।